Hi Singapore, this is Palak Amar Khan with Fusha Magazine and we have with us today Sahil Ved from India. From India. You've seen him in Humpty Sharma Ki Dulhan and he's here shooting for the sequel. Sequel, it's called Badrinath Ki Dulhaniya. Badrinath Ki Dulhaniya. Ji. Sounds interesting. Very interesting. Humpty Sharma Ki Dulhan par ek koi aisi cheez bataye that is different from the last movie to this in terms of aapke liye, just aapki zaat ko leke koi aisi cheez jo Fusha ke readers jab aapki ye video dekhenge to wo they should be excited to look out for a certain scene, something funny. Humpty Sharma ki duniya mein aap ye keh sakte hain ki hum log bacche the, hum sabhi log bacche the kyunki wo kafi young story hai, uske andar koi aisi seriousness nahi thi. Seriousness mein us सुविधे से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सीरियस ड्रिम वो नहीं था. बद्रीनाथ की दुल्हनिया काफ़ी मैच्योर कहानी है, मतलब कोशिश इसमें भी शादी करने की जा रही है, इसमें भी मोहब्बत है, इसमें भी दोस्ती है, यारी है, मगर इसमें हर रिलेशनशिप को और ज़्यादा डेप्थ में डिस्कवर किया गया. माने हम्पी शर्मा की दुल्हनिया में दोस्त थे तो हाँ दोस्त थे, लहंगे के लिए पैसे नहीं है तो दोस्त ले ये लोग हम ले आए तुम्हारे लिए, हालांकि दोस्त लेता नहीं. बद्रीनाथ की दुल्हनिया में और ज्यादा रियलिस्टिक चीजें, रिलेशनशिप्स और ज्यादा असली. आपसे एक सीरियस सवाल पूछ सकती हूँ, समथिंग दैट इज अ बिट डेलिकेट. इन टर्म्स ऑफ यू बीइंग इन थिएटर फॉर 12 इयर्स एंड देन डूइंग अ फ्यू फिल्म्स जस्ट रिसेंटली, और आलिया और वरुण ने बहुत जल्दी थोड़ी सी मूवीज करके दे अचीव्ड amazing success, huge success, and you're still in a side role. Does that bother you a little? Does that it come in between to, you two? It used to bother me a lot because I was immature at thinking what I was thinking back then. जब मैं पहले हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया की शूट से पहले जब मैं फिल्म में जाने वाला था तो मैं अपना पूरा जत्था पढ़ के गया था. वरुण धवन कौन है, आलिया भट्ट कौन है, उनके पिता कौन है. मुझे अब इस बात की रियलाइजेशन होती है कि मेरे पिताजी हार्डवेयर टूल्स के डीलर थे. अगर मैं हार्डवेयर टूल्स में डीलिंग करता तो शायद अपने पिताजी से दो कदम आगे जा चुका. लेकिन मैंने सपना देखा एक्टर बनने, तो आई हैड टू लीव समथिंग दैट माय फादर ऑलरेडी बिल्ट एंड आई हैड टू कम टू अ कंप्लीटली अननोन टेरिटरी. मुझे तो वक्त लगना ही था. इन लोगों के फादर्स ने बहुत मेहनत की हुई है. वरुण के फादर डेविड धवन ने बहुत एस्टैब्लिश फिल्म मेकर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में भी बनाई हैं और हर तरह के फिल्म इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स उनको जानते हैं. तो वरुण की एक क्रेडिबिलिटी है कि ये डिसिप्लिन तो रहेगा कम से कम. अगर मैं कौन कल को अगर मैं सिंगापुर छोड़ के चला जाता, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं अभी अगर फ्लाइट पकड़ के इंडिया चला जाता फिल्म तो कम्प्लीट नहीं हो पाएगी. ये लोग मुझे कहाँ ढूंढेंगे, ना एक हार्डवेयर टूल्स डीलर को ढूंढेंगे. इन्हें पता भी नहीं होगा कि वो मेरे पिताजी के ऑफिस कहाँ हैं या मेरा दिल्ली वाला घर कहाँ है या बॉम्बे वाला कहाँ है. डेविड धवन सब लोग जानते हैं कहाँ है. एंड द सेम इज विद आलिया. इनके फादर्स ने मेहनत की है तो ये लोग उस चीज़ का, मैं ये नहीं कह रहा कि इन लोगों को फ़ायदा नहीं, बिल्कुल फ़ायदा होगा. इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एक के बाद एक और ये लोग मेहनत भी बहुत है.